वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहां से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, DGISPR ने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या देते हैं कि क्योंकि इमरान खान ने एक फौज के एक फर्द के ऊपर, एक ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगाया, सारी फौज बदनाम हो रही है। यानी ये मेरे, मुझे जरा हैरत है कि क्या इसके ऊपर डीजी साहब आपने कोई तवज्जो दी, आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कि मैं अगर एक जज के ऊपर कहूं कि ये जज दो नंबर है, इसका मतलब सारी जुडिशरी दो नंबर है। अगर वो कोई कहे कि पीटीआई के अंदर एक कोई करप्ट आदमी है, तो मैं कहूं तुमने सारी पीटीआई को करप्ट कह दिया। ये कोई, इसमें कोई लॉजिक है? आपके कोर्ट मार्शल क्यों होता है? क्योंकि कोई गलती करता है ऑफिसर तो कोर्ट मार्शल है। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि मुझे यकीन है कि इन तीनों लोगों ने इस पर पूरी साजिश के तहत ये किया, तो ये मेरा राइट है। और मैं कोई एक आम शहरी से इसलिए फर्क हूं क्योंकि मैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं। और मैं अगर ये FIR के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता, मैं आप सवाल पूछता हूं कि बाकी कौम का क्या गुजर करती होगी, आम आदमी इस मुल्क में क्या करता होगा? मुझे ये बताएं कि ये तो मैं जो सारी मेरी जो 26 साल पहले तहरीक इंसाफ फॉर्म की थी, वो फिर साबित हो गया कि यहाँ तो सिर्फ ताकतवर जो है वो कानून से ऊपर और वो सारा कुछ है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता यहाँ।